भारत बंद का समय, बाहर पथराव और फायरिंग हो रही थी। ऐसे में ट्रेन में 6 घंटों से फंसे भूखे यात्रियों के लिए 10 साल की अद्रिका और उसका भाई कार्तिक पहुंचते हैं दंगों से बचकर यात्रियों को खाना देने। है ना गर्व की बात दोस्तों। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई एक सत्य घटना है। बहादुरी की श्रेणी में राष्ट्रीय बल पुरस्कार के लिए इन बच्चों को चुना गया है और खुद राष्ट्रपति 24 जनवरी को इन बहादुरी के नन्हे सिपाहियों को सम्मानित करेंगे। जाहिर सी बात है हर माता पिता की तरह अद्रिका और कार्तिक के परिवार वाले भी चिंतित थे और तब इनको घर से बिना कुछ बताए चले जाने के लिए खूब डांट भी पड़ी थी। लेकिन अब इन्होंने सभी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। वैसे आप बहादुरी के इन नन्हे सिपाहियों से कितना प्रेरित हुए कमेंट कर हमें जरूर बताएं।